जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे केएसएससी जीडी का जो है एग्जाम जो है रद्द हो गया है। क्यों रद्द हुआ इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि आपका जो है 10 तारीख तक 15 तारीख तक आपका आंसर की आ जाएगा। 12 तारीख को ऑल इंडिया में एग्जाम समाप्त हुआ था, तो जो है 15 तारीख को 3 दिन बाद जो है एसएससी जीडी जो है अपना जो है क्या करेगी, आंसर की जारी कर देगी। लेकिन जारी नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्यतः दो ही राज्य हैं, यूपी और बिहार, कुछ एकाध सेंटर अदर स्टेट के भी हैं, जिसमें 81 सेंटर के जो है एग्जाम को जो है कैंसिल कर दिया गया है। जो एग्जाम 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक हुए थे, 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 81 सेंटर के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं और इसमें 16,185 अभ्यर्थी जो है भाग लिए थे। दोस्तों देखिए, इसमें जो है री एग्जाम डेट आ चुका है। री एग्जाम डेट होगा 30 मार्च 2024 को और ये सिर्फ वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो इसमें भाग लिए हैं, और फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा दोस्तों। और इसके बाद जो है 5 से 7 दिन के अंदर, मतलब 5 दिन मैक्सिमम, मतलब आप मान के चलिए 5 अप्रैल तक आपका आंसर किया जाएगा। और एसएससी ऑलरेडी डाल कर रखी है कि 24 अप्रैल को, सॉरी कितना है वो जो है 29 अप्रैल को जो है अपना क्या करेगी, फिजिकल डेट घोषित कर चुकी है। तो 29 अप्रैल को क्या करेगी, फिजिकल लेगी और 5 को जो है आंसर की जारी करेगी, इसके तुरंत बाद जो है रिजल्ट जारी करेगी। तो दोस्तों आप लोग जो फिजिकल के लिए एक्टिवेट रहिए। जो हेवी वेट वाले स्टूडेंट है, वेट का क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ओवर वेट अलाउ नहीं होता है। ये आपका डिटेल है। जय हिंद दोस्तों।